व्हाट हैपेंस, क्या होता है व्हेन वी टच ए हॉट बॉडी, क्या होता है जब हम एक गर्म जिस्म को छूते हैं तो हमें गर्म गर्म लगता है, गर्मा गर्म लगता है, सही है? पकौड़े आते हैं ना घर में तो आप छूते तो गर्म लगते हैं ना, तो टेक टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट। अब आपने क्या करना है बच्चे, एक बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है और एक बॉडी जिसका टेम्परेचर क्या कम है वो ले लीजिए, ब्रिंग देम इन कॉन्टेक्ट उनके दूसरे के साथ जोड़ दीजिए, ब्रिंग देम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी विल फॉल, गर्म जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इट लूजेज एनर्जी, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी दूसरी बॉडी को देगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, दिस एनर्जी इंटर्स द कूल बॉडी, वो दवाई ठंडे जिस्म में दाखिल हो जाएगी, एट लोअर टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर क्या होगा कम होगा, कूल बॉडी गेन्स एनर्जी, वो जो हीट मुंतकिल, मैंने कहा था ना द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी बाय एन इंजेक्शन, वो इंजेक्शन क्या था फोर्स थी, अब यहाँ पे क्या है थर्मल कॉन्टेक्ट है, तो ये हीट असल में थर्मल वर्क है, हीट क्या एनर्जी की वो मिकदार जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रही है, जा तो रही है ना, तो ऐसी एनर्जी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं हीट कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं, दिस एनर्जी इंटर्स द कूल बॉडी एट द लोअर टेम्परेचर, कूल बॉडी गेन्स एनर्जी, कूल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो एवरेज भी बढ़ जाएगी, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी ना, नहीं समझ आया, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज, जो एनर्जी का इंतकाल है वो जारी रहेगा टिल बोथ बॉडीज हैव द सेम टेम्परेचर, यहां तक के दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे एक बड़े एक बंदे के जिस्म में खून की कमी और दूसरे के जिस्म में खून क्या ज्यादा, तो क्या करें एक के जिस्म से नाली लगा के दूसरे के जिस्म को लगा दें, अब जब दोनों में बराबर हो जाएगा तो फिर पता नहीं दूसरा बुढ़े की ना जाएगा ही, एक ज्यादा कमी होगी तो दूसरा तो कहेगा भाई पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्यों भाई, तो इन दिस वे दे आर ट्रांसफरिंग एनर्जी, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, इसी तरह थर्मल कॉन्टेक्ट से हीट जो है वो एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में मुंतकिल होती है, और दूसरी बॉडी में जब हीट, हीट मीन काइनेटिक एनर्जी, जब दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा उसका टेम्परेचर राइज क्यों करेगा, क्योंकि टेम्परेचर नाम ही काइनेटिक एनर्जी के एवरेज का, समझ आ रही है, तो हर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज, एनर्जी का बहाव जो इंतकाल है वो जारी रहेगा टिल यहाँ तक के बोथ बॉडीज दोनों के दोनों इजाम जो है हैव सेम टेम्परेचर, उनका दर्जा हरारत क्या हो जाए सेम हो जाए यकसाम हो जाए, थस डेफिनेशन क्या है द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कूल बॉडी इज कॉल्ड, तो इट इज द थर्मल वर्क, इट इज द हीट इन ट्रांजिट, सॉरी एनर्जी इन ट्रांजिट, वो एनर्जी तो इंतकाली एनर्जी है, ठीक है, या हरकत वाली एनर्जी जो है, तो हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी, की आपकी बुक पे डेफिनेशन, ठीक है, इट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर इन द थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एज रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस इन दियर बिटवीन एज रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दम, तो दर्जाए हरारत के फर्क की वजह से एनर्जी की वो मिकदार जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है उस मुंतकिल होने वाली उस इंतकाल करने वाली एनर्जी की मिकदार को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो भाई, चलो जी, थर्मामीटर, ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड थर्मामीटर, सम सब्सटेंसेस हैव द प्रॉपर्टी दैट चेंजेस विद टेम्परेचर, वही बात है पीछे वाली आएगी, अब थर्मामीटर बनता कैसे है, तो थर्मामीटर असल में एक डिवाइस है जिसके अंदर एक थर्मामीट्रिक मटेरियल होता है और वो थर्मामीट्रिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है और हमने उसके साथ एक स्केल बनाया होता है कि हाँ जी जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी, जब टेम्परेचर इतना चेंज होगा तो फिर ये होगा, थर्मामीटर पर स्केल लगा होता है ना, तो मरकरी फैलता है असल में गर्म होने में, तो हमें पता है कि जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम कहते हैं अच्छा इतना फैला था वहां पर निशान लगा देते हैं, फिर 2 डिग्री सेल्सियस करके वहां निशान लगा देते हैं, फिर 3 डिग्री सेल्सियस करके उसके ट्यूब पे निशान लगाते लगाते 100 तक के निशान हम लगा लेते हैं कि जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो थर्मामीटर का लेवल ट्यूब में ये होगा, हम क्या कर देते हैं जो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है उसको उसको क्वांटाइज कर लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं उसको क्वांटाइज कर लेते हैं स्केल लगाकर, समझ आया थर्मामीटर में, तो हर थर्मामीटर जो है किसी भी मटेरियल की थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज करके टेम्परेचर मेजर करते हैं, क्लियर हो गया,
some substances have property that changes with temperature. Substances that show a change in their properties with temperature can be used as thermometric materials. हम उन्हें बतौर thermometric materials के इस्तेमाल कर सकते हैं. For example, some substances expand on heating, some change their color, some change their electrical resistance. Nearly all the substances expand on heating. Liquids also expand on heating and are suitable as the thermometric materials. Common thermometers are generally made using some suitable liquid as thermometric material. अब मुझे इनकी translation करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पिछले slide पर आ चुका हूँ. ये पर आ चुका हूँ मैं. A thermometric liquid should have the following properties. Liquid पढ़ दूँ या आ रहे हैं? अल्लाह वालो यही है. सारा कुछ वही है ना? So अल्लाह वालो आ जो इधर. Liquid in glass, ये first type है thermometer की. लिक्विड इन ग्लास क्या होगा? क्या होगा? ये बल्ब है, इसके अंदर आपका लिक्विड होता है, इसके अंदर एक कैपिलरी. कैपिलरी का मतलब क्या होता है बोलो? कैपिलरी का मतलब क्या होता है? एक पतली सी नाली, ट्यूब. नहीं समझे? ये नजर आ रही है आपको? ये वाली नजर आ रही है? ये नाली कहां तक जा रही है? ये यहां. ये नाली है इसके अंदर. ये किस में डूबी हुई होती है? इसके अंदर. ये बल्ब है इसका, ठीक है? तो बल्ब में लिक्विड होगा और जो आपका ये थर्मामीटर है, ये सारा बना हुआ किसका होता है? ग्लास का, शीशे का, ठीक है? समझ आ गया? ये नहीं आया. सारा का सारा थर्मामीटर बना हुआ होगा किसका? शीशे का. क्लियर हो गया? मुझे एक चीज देखने दो. ये है जी जो मैंने आपको पढ़ाना, पहले आपको यहां से पढ़ा देता हूं तो फिर जनाब आप पढ़ लीजिएगा वो भी बुक वाला भी. तो थर्मा लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर होता क्या है? खुद नाम से पता करो जी. लिक्विड किसमें है? किसमें है? ग्लास में. तो शीशे का एक एक बर्तन बना हुआ और उसके अंदर आपने क्या डाला हुआ? लिक्विड डाला हुआ. तो दैट टाइप ऑफ थर्मामीटर विच यूजेज अ थर्मामेट्रिक लिक्विड. एक ऐसा थर्मामीटर जो इस्तेमाल करता है किसको? थर्मामेट्रिक. हाँ जी. तो ए लिक्विड हूज प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड बाय ए चेंज इन इसका थर्मामेट्रिक लिक्विड. ये वो लिक्विड है जिसकी प्रॉपर्टीज टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाती. अब इसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है? इसकी इसकी इसका वॉल्यूम चेंज होता है, ये एक्सपेंड करता है, फैलता है, इसके वॉल्यूम में इजाफा होता है. दैट टाइप ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर की वो किस्म विच यूजेस जो इस्तेमाल करती है ए थर्मामेट्रिक लिक्विड. जो लिक्विड यूज करती है कौन सा? थर्मामेट्रिक. इनक्लोज्ड विद इन ए ग्लास ट्यूब जो कि बंद होता है किसमें? एक शीशे की नली में. टू मेजर द टेम्परेचर. बस ऐसा थर्मामीटर जो थर्मोमेट्रिक लिक्विड को यूज करे इनक्लोज विद इन ए ग्लास ट्यूब टू मेजर द टेम्परेचर. क्या करने के लिए? इट्स कॉल्ड लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर या स्केल्ड हॉलो ग्लास ट्यूब. गौर से सुन लो क्या मतलब है इसका. स्केल्ड ग्लास, ऐसी नाली, शीशे की ऐसी नाली जिसके ऊपर क्या बना हुआ हो? स्केल बना हुआ. ये बना हुआ स्केल, दर्जे लगे हुए हैं. तो स्केल्ड ग्लास ट्यूब शीशे की दर्जों वाली एक नली विद ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड इनक्लोज्ड इन इट. शीशे की एक नाली जिसके अंदर एक थर्मोमेट्रिक लिक्विड क्या हो? मुकैद हो, कैद किया गया हो, बंद किया गया हो, ठीक है? एंड इज यूज्ड टू मेजर, और वो इस्तेमाल होती हो टू मेजर, मापने के लिए द टेम्परेचर, दर्जाए हरारत को ऑफ ए बॉडी, एक जिस्म के. इज कॉल्ड, कहलाती है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर. अभी भी नहीं समझ आया? लो जी स्केल ऑफ थर्मामीटर गया. बताओ देखे ही पढ़ना नहीं है. ये लाइंस लगी होती हैं बराबर फासले पे थर्मामीटर की ट्यूब पे. द इक्वली स्पेस लाइंस विद नंबर्स, ऐसी लाइन जिनके साथ नंबर्स भी होते हैं प्रिंटेड, ठीक है? Equally spaced lines with numbers जो कि printed होती हैं, जो छपी हुई होती हैं on the stem. किस पर? Stem इस tube को कहते हैं. ये जो tube होती है ना thermometer की लंबी सी, इसको उसका stem कहते हैं. Thermometer के दो हिस्से होते हैं, एक होता है stem, दूसरा होता है bulb, ठीक है? तो जो tube होती है वो stem होता है,
और जो नीचे एक मोटा सा आपको नजर आता है दैट इज कॉल्ड द बल्ब, जिसके अंदर मरकरी स्टोर्ड होता है. मरकरी सोर्स इज कॉल्ड द मरकरी बल्ब एंड द लॉन्ग ट्यूब हैविंग द स्केल ओनली इट इज कॉल्ड द स्टेम ऑफ द थर्मामीटर. प्रॉब्लम किसी को? तो जनाबे अली, इक्वली स्पेस लाइंस विद नंबर्स प्रिंटेड ऑन द स्टेम ऑफ द थर्मामीटर इज कॉल्ड द स्केल ऑफ द थर्म. बोलो भाई. डिग्री. अब ये जो स्पेस होती है थर्मामीटर की, थर्मामीटर पर छपी हुई कोई सी दो लाइनों के दरमियान में जो फासला होता है ना, इस फासले को हम लोग एक डिग्री सेल्सियस या एक डिग्री केल्विन या एक डिग्री फारेनहाइट कहते हैं. अगर नहीं समझ आया तो फिर पूछ लो. द स्पेस बिटवीन टू स्मॉल लाइंस ऑफ द स्केल ऑफ थर्मामीटर इज कॉल्ड डिग्री. प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर. अब इसकी क्या खसूसियात होती हैं, इसकी क्या सिफतें होती हैं, इसकी क्या खूबियां होती हैं. लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर इज ए स्केल्ड. अब ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एक स्केल्ड हॉलो ग्लास ट्यूब है. ये कैसी शीशे की खोखली, अंदर से खाली होती है ट्यूब है विद थर्मोमेट्रिक लिक्विड, जिसके अंदर क्या होता है, थर्मोमेट्रिक लिक्विड होता है सच एज मर्करी और कलर्ड अल्कोहल, जो या तो मर्करी होगा या रंगदार अल्कोहल होगा इनक्लोज्ड इन इट उसके अंदर. यहां पे अली, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल आर थर्मल. हाँ जी, टेम्परेचर की मेजरमेंट जो होती है ना स्केल पे वो मर्करी की एक्सपेंशन की वजह से होती है, और जो बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर में मुंतकिल होता है ना वो थर्मल इक्विलिब्रियम से होता है, थर्मल थर्मल कॉन्टैक्ट से. थर्मल इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल यूज होता है, देखा थर्मामीटर जब मुंह में रखते हैं या बगल में रखते हैं तो बड़ा ठंडा लगता है ना. ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो बस ठीक है जी, ओके नो प्रॉब्लम है, मैंने नहीं देना, ठंड ऐसा ही है. तो थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या होता है, वो आप में और थर्मामीटर की बॉडी में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका होता है. ठीक है जी, बोलते नहीं हो. लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ये वर्किंग प्रिंसिपल है, थर्मल एक्सपेंशन एंड केमिकल सॉरी थर्मल. द ग्लास स्टेम ऑफ द थर्मामीटर इज थिक. जो इसका स्टेम होता है ना, जो शीशे की नली जिसके अंदर ट्यूब होती है, वो बहुत मोटी होती है एंड एक्ट एज ए सिलेंड्रिकल लेंस. और बतौर किसके काम करती है, एक लेंस के. वो कभी लेंस देखा जो सेंटर से मोटा होता है, जैसे तुम चीजों को देखते हो मैग्नीफाइंग ग्लास, तो चीजें आपको बड़ी नजर आती हैं. जिसकी कर्व्ड बाउंड्री होती है ना, या जो सिलेंड्रिकल लेंस काम करती है और आपको स्केल को बड़ा करके दिखाती है, स्केल को बड़ा करके दिखाती है. उसका मोटा होने का फायदा ये है. द ग्लास स्टेम ऑफ द थर्मामीटर इज थिक इज थिक एंड एक्ट एज ए सिलेंड्रिकल लेंस. दिस ये इस बात को आसान बना देता है टू सी द लिक्विड लेवल इन द ग्लास. क्लियर हो गया? ये छोटा सा एक नोट है. अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाई मर्करी इज प्रेफर्ड एज द थर्मोमेट्रिक लिक्विड इन द थर्मामीटर. तो क्या जवाब दोगे जरा बताओ मुझे. जनाब जी, जितनी सात की सात खसूसियात है ना थर्मोमेट्रिक लिक्विड की, वो सारी की सारी बदरजा अतम किसमें मौजूद है, मर्करी में. जनाब अली, पहली बात, मर्करी इज प्रेफर्ड एज द थर्मोमेट्रिक लिक्विड इन द थर्मामीटर. और अल्हम्दुलिल्लाह यादिकुमुल्लाह वस्लियु वालकुम. तो मर्करी जो है उसको बतौर थर्मोमेट्रिक लिक्विड के बाकी तमाम मायात पर फौकियत इसलिए हासिल है, नंबर वन वो विजिबल होता है, नंबर टू इट हैज यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, नंबर थ्री इसका फिजिक लोग मैं मुझे कुछ लोग कहते थे पारा जमता नहीं है, मर्करी जमता नहीं है. क्यों नहीं जमता? हर चीज का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो क्योंकि भाई क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर तो नहीं जमता ना, -39 पे तो वो कहते थे होते ही नहीं, ठीक है, लेकिन मरकरी जमता है -39°C. इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट. देखो फ्रीजिंग पॉइंट भी लो है ना और बॉइलिंग पॉइंट भी, वो बातें भी पूरी कर गया. इट डज नॉट बर्न द ग्लास, इस ग्लास की ट्यूब के साथ चिपकता चिपकता भी नहीं, सो गीला नहीं करता. इट इट इज और दूसरा इट हैज स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसकी हीट कैपेसिटी भी बहुत कम होती है, बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है. डॉक्टर साहब जी, मरीज जो है उन्हें फारग किए जाते हैं. क्लियर हो गया? यहां तक किसी को मसाला हो तो पूछ सकता है मुझसे. अच्छा जी, अब जनाब यहां पे कुछ चीजें हैं. थर्मामीटर को समझने के लिए कुछ चीजें मुझे आपको समझानी है, वो ये कि लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट्स क्या होते हैं. ठीक है,
बच्चे इन बातों को याद रखना, बड़ी अहम बातें हैं। स्केल ऑफ द थर्मामीटर हैव टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर रेफरेंस पॉइंट्स। जो थर्मामीटर का स्केल है ना, उसके ऊपर या रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक ऊपर फिक्स पॉइंट्स का, ये स्केल के बारे में, द स्केल ऑफ थर्मामीटर हैव टू फिक्स्ड पॉइंट्स। वन पॉइंट इज कॉल्ड द अपर फिक्स्ड पॉइंट, जो कि सबसे ऊपर है, और वन इज कॉल्ड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब जनाबे अली, लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, दिल तो कह रहा होगा जल्दी से बताओ। तो द पॉइंट ऑन द स्केल ऑफ द थर्मामीटर विच शो द टेंपरेचर ऑफ द प्योर मेल्टिंग आइस। थर्मामीटर की स्केलिंग करते वक्त उसको रखते हैं पिघलती हुई बर्फ में। तो बर्फ कब पिघलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे, वहां निशान लगा दिया जाता है, उसको कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। द पॉइंट ऑन द स्केल ऑफ थर्मामीटर, स्केल का वो पॉइंट विच शो द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग आइस इज कॉल्ड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट। That position of the liquid, liquid का वो मुकाम in the thermometer which show the temperature of the pure melting ice is called at 1 atm. अब मैंने pressure का भी बीच में, is called lower fixed point. That point on the scale of the thermometer which show the melting point or freezing point in the pure melting ice is called lower fixed point. आपको पहला अच्छा लगा, दूसरा अच्छा लगा, जो अच्छा लगा याद कर ले। अब upper fixed point क्या होगा? ये boiling water, pure boiling water का temperature होगा। So that point on the scale of thermometer which shows the temperature of the pure boiling water at 1 atm is called the upper fixed point. That position of the liquid in the thermometer which shows the temperature of the pure boiling water at 1 atm is called the upper fixed point. That point on the scale of thermometer which shows the boiling point of the pure water at 1 atm is called upper fixed point. If you are understanding the point, tell me, not again tell me, I will make it much more simpler. जो मर्जी, हाँ एक काम लगा कीजिए बेटा। देखो मेरा बेटा, मैं सादा सी बात करूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। एक चैम्बर है, आपने थर्मामीटर बना लिया, ठीक है, ट्यूब भी लगा दी, बल्ब भी बना दिया, मरकरी भी डाल दिया, स्केल नहीं लगाया। स्केल कैसे लगाते हैं? एक बर्तन में बर्फ रखी हुई है और वो क्या कर रही है? पिघल रही है, टुकड़े टुकड़े बर्फ के डाले। आपने क्या किया? मेल्टिंग है, मेल्ट कर रही है बर्फ, ठीक है। उसके अंदर आपने थर्मामीटर करा दिया। मरकरी अगर ऊपर भी होगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे तो ऊपर चला जाएगा, उस टेम्परेचर पे चला जाएगा जिस टेम्परेचर पे ये बर्फ, जो बर्फ का टेम्परेचर है, हमने क्या लगा देना? उस पर निशान लगा देना, और इसको हम कहेंगे लोअर रेफरेंस पॉइंट या लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर हो गया? और ये कितना होता है? 0 डिग्री। और इसको नाम दे, सेल्सियस स्केल पे 0 का नाम देते हैं, बाकियों पे और नाम देते हैं, मैं बताता हूँ। केल्विन पे ही होता जी, केल्विन पे जनाब ये होता है 273 डिग्री केल्विन, 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। नहीं समझ आया तो इनको देखते हैं अभी। अब बेटा आपने यहां से निकाला, निशान लगा लिया, अब इसी थर्मामीटर को उठाओ और एक ऐसे बीकर में डाल दो जिसमें पानी क्या कर रहा हो, बॉयल कर रहा हो और स्टीम बन रही हो, डाल दिए पकड़ के, ठीक है। तो जो लिक्विड होगा इसके अंदर वो चढ़ेगा और एक लेवल पे जाकर रुक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। मेरी बात सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? उससे आगे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अब वो इवेपोरेशन हो रही है, बुखारात बन रहे हैं, पानी गैस में चेंज हो रहा है। अब यहां पे जो हीट उसको दी जा रही है, उसके टेम्परेचर को राइज नहीं करेगी बल्कि उसके फिजिकल स्टेट को चेंज करेगी। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उस पॉइंट पे निशान लगा लेगी, तो उसको कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। अभी नहीं समझा? तो ये लिक्विड जो कि मरकरी आपके थर्मामीटर में पड़ा हुआ है, ये उसका मुकाम होता है कि पिघलती बर्फ में यह कहां पर जाकर रुकेगा और बॉयल करते हुए खोलते हुए पानी में यह कहां पर रुकता है। उसको हम अगर डिग्री सेल्सियस कहूं तो यह कह देते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। अभी भी नहीं समझे? क्लियर हो गया? अब जो इनके दरमियान में स्पेस है, इसको 100 बराबर उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। ये पर फिक्स्ड पॉइंट लग गया, ये लोअर लग गया, दरमियान वाली स्पेस को इक्वल कितने हिस्सों में, 100 हिस्सों में डिवाइड करके डिग्री सेल्सियस स्केल बन जाता है। सिमिलरली फॉर द अदर्स, समझियो जनाब अली। फंक्शन ऑफ द स्केल ऑफ थर्मामीटर, अब इसका काम क्या है? मैंने बता दिया स्केल के अंदर दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, एक को ऊपर फिक्स पॉइंट कहते हैं, वो क्या है? वो बॉइलिंग वाटर, प्योर वाटर का 1 atm बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो प्योर मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है आ गया।
अब स्केल का स्केल ऑफ थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद द थर्मामीटर। थर्मामीटर के बल्ब के साथ जो बॉडी इन कॉन्टेक्ट होती है थर्मामीटर उसका टेम्परेचर, ये स्केल उसका टेम्परेचर मेजर करने में हमारी मदद करता है। अब टाइप्स ऑफ द स्केल्स इन थर्मामीटर, थर्मामीटर में स्केल के कितनी टाइप्स है तो पुत्र याद रख लो, तीन किस्म के स्केल्स यूज होते हैं किसमें, थर्मामीटर में, या तीन किस्म के यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए। There are three types of the scales on the thermometer: Celsius scale, Fahrenheit scale, Kelvin scale. Clear हो गया? अब सबसे पहले आपका दिल क्या होगा, जनाब ये तो पता चला ये Celsius scale क्या बोला? तो भाइयों ये लो, that type of scale on which आपने जब भी scale define करना है, upper fixed point और lower fixed point को brain में रख कर करना है। That type of scale on which the freezing point of water is and the boiling point of pure water is is called, बोलो जोर से बोलो, फिर बोलो। अच्छा मुना बिगाड़ा, तेज हो गया आज, समझ आ गया। अब अल्लाह वालो प्रॉपर्टीज आएंगी उसकी, नीचे दैट टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल ऑन विच लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड सेल्सियस स्केल, 8 डिग्री सेल्सियस स्केल ही कहेंगे इसमें, सेंटीग्रेड। अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्सियस स्केल जनाब, लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, जीरो। द लोअर फिक्स पॉइंट मतलब मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर इस पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा। द अपर फिक्स पॉइंट ऑफ द सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री सेल्सियस। ऑन सेल्सियस स्केल द सेपरेशन बिटवीन, सुन रहे हो, हाँ जी, ऑन सेल्सियस स्केल द स्पेस बिटवीन द अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स and each part is called 1 degree. The separation between two lines on the Celsius scale is called 1 degree Celsius. Okay, 1 degree की definition यहाँ पे आ गई। मैं पीछे भी दे चुका हूँ। Uses of Celsius scale. जिनाब Celsius scale is used to measure the temperature of temperature in laboratory and Celsius scale is used to measure the temperature of the environment. Mac my most मियाद वाले इसको use कर। जिनाब आ गया Fahrenheit. डॉक्टर साहब मैदान में आ गए। तो दैट टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल ऑन विच द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या जिसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसी से कर लो, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस था, वहां पे क्या 32 डिग्री फारेनहाइट। अब भी पर सेल्सियस नहीं है, डिग्री फारेनहाइट है, फारेनहाइट, फारेनहाइट ये लिखा हुआ होकर फारेनहाइट स्केल। तो जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो 32 डिग्री फारेनहाइट है एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फारेनहाइट इसको फारेनहाइट स्केल कहते हैं। अगर आप सिर्फ सेल्सियस स्केल को थोड़ा सा तवज्जो से प्यार से मोहब्बत से याद कर लेना तो भाई फारेनहाइट स्केल आपको तंग नहीं करेगा। अगर पहले को आपने सही तरीके से डील लगी है, दूसरा भी तंग करेगा, तीसरा भी तंग करेगा। फारेनहाइट स्केल इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट्स इन द क्लिनिक। क्लियर हो गया? केल्विन स्केल का दैट टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल ऑन विद द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 डिग्री केल्विन एंड द बॉइलिंग पॉइंट 373 डिग्री केल्विन, इसका केल्विन स्केल। प्रॉपर्टीज ऑफ केल्विन स्केल क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल 273 डिग्री केल्विन एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 373 डिग्री केल्विन। ऑन केल्विन स्केल द इंटरवल बिटवीन द अपर एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री केल्विन। क्लियर हो गया? अच्छा जनाब ये जो केल्विन स्केल है इसके यूजेस क्या है, केल्विन स्केल इज यूज्ड इन द फॉर द साइंटिफिक पर्पस। अब अल्लाह वालों बात गौर से सुनना, बात गौर से, केल्विन स्केल जो है ना, मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे टेम्परेचर डिपेंड करता है, ऐसे ही। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी और जो उसका टेम्परेचर है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। अब बेटा जूं जूं आपकी काइनेटिक एनर्जी नीचे आती जाएगी, ठीक है, तो ग्राफ भी कहां नीचे आएगा, टेम्परेचर भी कम होता जाएगा ना। आते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। आप समझ आ नहीं है? जो जो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, जो जो पीछे आते जाओगे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, टेम्परेचर कम होते होते क्या हो जाएगा? 0 डिग्री केल्विन का मतलब ये है बॉडी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? क्या ये पॉसिबल है? इनकी बॉडी के अंदर क्या है? एटम्स है। एटम्स में कौन मूव करते हैं? कौन मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन की अगर मोशन जीरो हो जाए, एटम को लाभ कर रहे हैं। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी जीरो करने का मतलब ये है कि एवरी टाइप ऑफ मोशन इन दिस यूनिवर्स विल बी जीरो। क्या ये पॉसिबल है? अभी भी नहीं समझे। 0 डिग्री केल्विन का मतलब ये है कि एटमों के अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स तक रेस्ट पे आ जाए। ये है 0 डिग्री केल्विन। अभी भी समझे नहीं समझे? क्या ये पॉसिबल है? इतनी बड़ी बात है। जीरो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जीरो करने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स तक, एटम्स तो वाइब्रेट करना रुक गए, इलेक्ट्रॉन्स तो घूमते रहेंगे नहीं जनाब, उनको भी अपने आप को रेस्ट पे लाना पड़ेगा। टोटल रेस्ट। हाँ, नहीं मरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं भाई, क्या हो गया? और बॉडी गल चल रही होती है, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं, बल्कि ये जिस्म फूलता है ना मरने के बाद, वो भाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ज्यादा मूव कर रहे हैं। अब तो हड्डियों को भी वो डीकम्पोज हो रही होती है बॉडी, जो बदबू मारती है ना जिस बॉडी, वो इसलिए मारती है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा खुशी से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रुकते नहीं है। ये है आपकी बॉडी में, आपका हार्ट जो खून पंप कर रहा था वो रुक जाता है, बॉडी के सारे केमिकल रिएक्शन जो कि आपको जिंदा रखने के लिए थे वो खत्म हो जाते हैं। अब कीड़े मकोड़े जो हैं, जो बैक्टीरिया, वो अपनी मर्जी के मुताबिक आपके जिस्म को ट्रीट करेंगे। अल्लाह अल्लाह कर लो, फिर वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं कहेंगे आपको, फिर बॉडी डीकम्पोज नहीं होती। वरना बॉडी, भाई जी कहते हैं कि वो 3 दिन बाद पेट जो है मुंह के बाल बाहर आ जाता है बंदे का, ये नाक सबसे पहले खत्म होती है। ये जो नाक है ना, जिसकी सबसे ज्यादा फिक्र होती है नाक ना कट जाए, नहीं नाक ना कटवाना, सबसे पहले कीड़े इस पे अटैक, और इंसान की सबसे पहले नाक खत्म होती है, सबसे पहले नाक, और ये जो आंख के ऊपर की ये देख रहे हो झिल्ली, ये खत्म होती सबसे पहले। फिर दांत जड़ते हैं, फिर नाखून जड़ते हैं, हफ्ते में भाई जी सारा कुछ खत्म हो चुका होता है, पेट के अंदर कीड़े चट कर जाते हैं सब कुछ। 6-7 माह में तो हड्डियां भी, और फिर बस अल्लाह ही अल्लाह। समझ आया नहीं यार? तो यहां तक किसी को इशू? एब्सोल्यूट जीरो क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब मुकम्मल तौर पर, जीरो का मतलब यह है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स भी रेस्ट पे, जीरो नहीं रेस्ट पे, और किधर जाएंगे फिर वो? वो तो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। नहीं समझ आए? नहीं समझ आए? तो जनाबे अली याद रखिएगा, -200, और वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर ये होगा? उस टेम्परेचर को कहते हैं 0 डिग्री केल्विन, ठीक है? इस कॉल द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और इसको डिग्री सेल्सियस पे -273 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ये दोनों टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हैं। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब आपको समझ आ गया कि द टेम्परेचर एट विच द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी इज जीरो, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल टू अचीव। एनी प्रॉब्लम जनाब अली? नया टॉपिक स्पेसिफिक हीट का, लेकिन उससे पीछे अगर मैंने कुछ छुड़वाया है तो मैं आपको बता कर आगे चलूंगा। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर जी, ये मैंने यहां तक आया था। ए लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर हैज ए बल्ब विद ए लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म एंड फाइन बोर। बोर कहते हैं किसको? सुराख को, ठीक है? तो ए लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर जो है उसका एक बल्ब होता है। ये इसके पार्ट्स के नाम लिख लेना ना, स्ट्रक्चर की हेडिंग देना जो मैं नहीं लिख सका। तो स्ट्रक्चर का कहना है कि इट हैज ए बल्ब
एंड ए स्टेम ग्लास ट्यूब जिसको हम स्टेम कहते हैं, ठीक है। तो ये हैज ए बल्ब, बल्ब के अंदर क्या होती है, एक ट्यूब लगी हुई होती है जिसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, यूनिफॉर्म एंड फाइन बोर। अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, अब मैं आपको मिसाल देता हूं, देखें ये मेरी उंगली देख रहे हो, कहीं से मोटी है कहीं से, अगर इसकी मोटाई बिल्कुल यकसा हो जाए तो फिर हम कहेंगे यूनिफॉर्म थिकनेस। तो ये जो कैपिलरी होती है ना इसके अंदर, वो ना कहीं से ज्यादा मोटी होती है ना कहीं से पतली होती है, जो उसका बोर है जो उसका सुराख है वो इक्वल सेम डायमीटर का, ठीक है बच्चे। एंड फाइन बोर सच एज शोन इन द फिगर नंबर 8.4, अ सूटेबल लिक्विड इज फिल्ड इन द बल्ब, ठीक है जी। व्हेन द बल्ब कॉन्टैक्ट्स ए हॉट बॉडी, जब बल्ब जो है कॉन्टैक्ट्स मतलब वो राबता करता है या वो राबते में होता है किसके साथ, किसी गर्म जिस्म के साथ, तो लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड इन इट एक्सपैंड एंड राइजेस द इन द बल्ब, वो फैलेगा और बल्ब में ऊपर की बल्ब से ऊपर कैपिलरी ट्यूब में चढ़ना शुरू कर देगा। द ग्लास स्टेम ऑफ द थर्मामीटर इज थिक, जो इसका स्टेम है शीशे का बना हुआ जो है इज थिक, वो मोटा होता है, एंड एक्ट एज ए सिलेंड्रिकल लेंस, और बतौर एक लेंस के काम करते, इसलिए आपको स्केल बराबर कर देगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल लेंस दिस मेक्स इट इजी टू सी द लिक्विड लेवल इन द ग्लास ट्यूब एंड टू मेजर द टेम्परेचर। Mercury freezes at -39°C, boils at -357°C. It has all the thermometric properties listed above, जो मैं बता चुका हूँ आपको। Thus, mercury is one of the most suitable thermometric material. Mercury and glass thermometer are widely used in laboratory. अब इसके uses आगे, clinics आगे, houses में हम इस्तेमाल करते हैं, to make the temperature in the range from -10 to -150°C. Lower and upper fixed point मैं आपको बता चुका हूँ। ये thermometer has a scale on its stem. ठीक है, तो थर्मामीटर के दो हिस्से होते हैं, एक स्टेम होता है और दूसरा बल्ब। स्टेम पे बच्चे स्केल होते हैं, ठीक है, तो स्टेम एंड बल्ब, तो स्टेम हैव स्केल ऑन इट, क्लियर हुआ। तो स्केल तीसरी चीज का है कि द इक्वी स्पेस लाइंस इन द स्टेम आर कॉल्ड द स्केल। तो तीन चीजें थर्मामीटर के लिए मस्ट है, फिर बताना है इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब है जो कि स्केल के अंदर हम लोग कैपिलरी ट्यूब में उस थर्मामीट्रिक लिक्विड की एक्सपेंशन को मेजर करते हैं, ठीक है। तो द थर्मामीटर हैज अ स्केल ऑन इट सिस्टम, द स्केल हैज टू फिक्स्ड पॉइंट्स, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क्ड टू शो द पोजीशन ऑफ द लिक्विड इन द थर्मामीटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द आइस, ठीक है, समझ आ गया। सिमिलरली द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क्ड टू शो द पोजीशन ऑफ द लिक्विड इन द थर्मामीटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन स्टीम जो कि बॉइलिंग वाटर एट अ स्टैंडर्ड प्रेशर दैट इज 180 एटीएम अबव द Boiling water पे जो प्रेशर होगा वो 180 एटीएम होगा। स्केल मैं बता चुका हूँ जी, ए स्केल इज मार्क्ड ऑन द थर्मामीटर, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद द थर्मामीटर कैन बी रेड ऑन दैट स्केल। थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर इन कॉमन यूज, दीज आर सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। डिटेल्ड नोट आप पढ़ चुके हैं। ऑन सेल्सियस स्केल द इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, याद आया, as shown in the figure, आप देख सकते हैं। समझ नहीं आ रहा तो दोबारा पूछ ले। 100 equal parts में आप डिवाइड करते हैं इसको। अच्छा जी, the lower fixed point is marked as 0°C and the upper fixed point is marked as 100°C. On the Fahrenheit scale, the interval between the lower and upper fixed point is divided into 180 equal parts. Its lower fixed point is marked as 32°F. And the upper fixed point is marked as 212°F. The in SI unit, the unit of the temperature is degree Kelvin or Kelvin. It and its scale is called the Kelvin scale of the temperature, as shown in the figure number 8.5. The interval between the lower and upper fixed points is divided into 100 equal parts. Thus, a change in 1°C is equal to 1°K. ये दोनों same होते हैं, ठीक है? The lower fixed point on this scale corresponds to 273°K, जो कि 0°C होता है. And the upper fixed point is referred to as 373°K. The zero on this scale, जिसे हम 0°K कहते हैं, ठीक है, is called absolute zero and is equal to -273°C. Comparison of the temperature from one, conversion of the temperature from one scale to the into the other temperature scale from Celsius to degree Kelvin. अब मुझे आप ये बताएं, 0°C जो है किसके बराबर है, 273°K, क्लियर हो गया। और 100°C किसके बराबर है, 370°। इसके दर में भी सौ होते हैं, इसके दर में भी सौ होते हैं।
तो जनाबे अली फर्क 1000 या 100 ही होते हैं दोनों के दरमियान। तो बच्चे फार्मूला बड़ा आसान था, अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में चाहिए तो आप डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में क्या ऐड कर दें, 273 ऐड कर दें, टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जीरो तो वहां पे 273 होता है ना, तो आप सेल्सियस की जगह पे जीरो पुट करें तो केल्विन 273 ही आएगा। अभी भी नहीं समझे, फार्मूला समझे हो कि नहीं समझे, फार्मूला क्या कह रहा है आपको ये तो पता ना कि अगर यहाँ पे जीरो होगा तो वहां पे 273 होगा, मतलब इसमें 273 ऐड करो तो डिग्री केल्विन बन जाए। आप समझ आया नहीं है, क्लियर हो गया? तो टेम्परेचर इन ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब अगर आपने सेल्सियस केल्विन से सेल्सियस में जाना तो क्या करना पड़ेगा, केल्विन टेम्परेचर से माइनस करना पड़ेगा 273 और वो डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर आ जाएगा। मसला किसी को, एग्जांपल है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल व्हेन इट इज 20 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल। ये बच्चे पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो डाटा आपका क्या है जी, टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस कितना, 20 डिग्री, हमें फाइंड किस में करना है, केल्विन में। क्या करोगे, सॉल्यूशन देखो, बिकॉज टेम्परेचर इन केल्विन बराबर है 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 20 कितना आ गया, हक्का डिग्री केल्विन। अब क्या आएगा, बस नहीं समझ आया दोबारा पूछ, ये मैंने करके भी दिए हुए वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। अब जनाब क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स का 8वां चैप्टर जो है आपका थोड़ा सा पेंड किया हुआ है, वो इसीलिए किया था कि याद रखिएगा स्लोप तो निकालनी आती है या नहीं आती, राइज ओवर रन आता है नहीं आता। अब मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, जब आपका मैं एक्स एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर ले रहा हूँ और y एक्सिस पे फारेनहाइट वाला टेम्परेचर ले रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं, जब सेल्सियस में टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तो फारेनहाइट में कितना होगा, 32। तो ये पॉइंट आ गया 0, 32। y एक्सिस पे f है और x एक्सिस पे c है, तो ये c, f है टेम्परेचर, पहला सेल्सियस होगा दूसरा फारेनहाइट होगा। अब आपको ये पता, जब डिग्री सेल्सियस 100 हो तो फारेनहाइट कितना होता है, 212। तो ये पॉइंट किसके सामने आ जाएगा, 212 के सामने आ जाएगा। अब बेटा स्लोप निकालने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, तो ये पॉइंट क्या आया, ये 100, 212 आ गया। अब आपको पता है जब स्लोप निकालनी होती है तो क्या चाहिए होता है जी, दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये इसको अगर मैं ये कह दूं x2 y2, इसको कह दूं x1 y1, तो राइज ओवर रन क्या होगा, y2 - y1, 212 - 32 ऊपर यही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 - 0, तो ऊपर आ गया 180, नीचे आ गया 10। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 9/5, और समझ आया नहीं यार, ये आ गई आपकी स्लोप। अब बेटा अगर आपको स्लोप गिवन हो ना, क्या गिवन हो, तो आपने अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है किसकी, तो इसे हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी फॉर्म, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, मुझे ये बताओ ये लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे मीट कर रही है, 32 पे ना, 32 पे या नहीं, ये वो पॉइंट है जहां पे y x की वैल्यू 0 है। तो लाइन जिस पॉइंट पे y एक्सिस को मीट करती है उस पॉइंट को y इंटरसेप्ट कहते हैं, और ये है अगर आप इसे कहते हैं हम स्लोप। अगर आपको किसी लाइन की स्लोप पता हो और y इंटरसेप्ट पता हो, क्या बताओ, तो बेटा आप इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करें आपकी उस लाइन की इक्वेशन आ जाए। क्लियर हो गया, मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी थी, y मेरे पास क्या है, y एक्सिस पर टेम्परेचर इन फारेनहाइट है, मैंने पुट कर दिया टेम्परेचर इन फारेनहाइट, पुट कर दिया, ठीक है। मेरे पास स्लोप कितनी आई है इसकी, 9/5 आई है ना स्लोप, स्लोप निकाल लो बेशक, क्या 212 - 32 / 100 - 0, इसको हम स्लोप कहेंगे m। क्लियर हो गया, तो स्लोप अल्लाह वालों बराबर, और से सुनना, 180 / 100, आप इसको आप सिंपलीफाई करो तो 9/5 आता है। लो जी गौर से सुनना, अब y की जगह पे आ जाएगा फारेनहाइट, m की जगह पे आ जाएगा 9/5, x की जगह पे कौन सा टेम्परेचर है सेल्सियस,
सी आ जाएगा, वेरिएबल है ना। अब एक्स वाई नहीं यूज होंगे, सी और एफ यूज होंगे। तो सी आ गया एक्स की जगह पे, और वाई इंटरसेप्ट की जगह पे जहां पे स्मॉल सी है वहां पे 32 आ जाएगा। क्लियर हो गया पुत्र? चेक करो इक्वेशन वही बनी है जो यहां बनी है। ये असल में टू पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज की है। असल में कौन सी फॉर्म यूज की है? पॉइंट स्लोप फॉर्म मैंने यूज की है। तो ये फॉर्म आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लें फिर भी आप, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया किसका? कन्वर्जन फ्रॉम फारेनहाइट टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू फारेनहाइट का। अभी भी नहीं समझे? क्लियर हो गया? तो ये आपका फॉर्मूला है जी, जिसके जरिए से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो फारेनहाइट का टेम्परेचर है बराबर होता है 9/5 टाइम्स सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 32। अब आप कहते हैं नहीं सर फॉर्मूला सेल्सियस का चाहिए, तो 32 को उधर ले जाओ, फारेनहाइट माइनस 32 डिग्री ऐसा ही है इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब 5 यहां पूरे के साथ आके मल्टीप्लाई और 9 डिवाइड, आंसर आ गया 5/9 टाइम्स एफ माइनस 32 इज इक्वल टू सेल्सियस। अब बेटा ये ब्रैकेट नहीं हटानी, ब्रैकेट तो 5 माइनस 32 पहले फारेनहाइट से 32 माइनस करके फिर 9 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई करना। ये फॉर्मूला आ गया सेल्सियस का। अगर आप एक याद रख लेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, नहीं समझ आया? क्लियर हो गया? तो ये दो फॉर्मूले हैं। अब अगर एक बंदा मुझे टेम्परेचर किसमें दे देता है, सेल्सियस में, मुझे कहता है हाँ जी वही टेम्परेचर में फारेनहाइट में चेंज कर दूं, टेम्परेचर डाटा देखो जी, टेम्परेचर दे दिया मुझे किसमें जी, डिग्री सेल्सियस में, कितना 20 डिग्री सेल्सियस। कहता है भाई साहब जरा टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट में मालूम करके दो, मेरे लिए क्या मुश्किल है? ए लो जी, और आपके लिए क्या मुश्किल है? मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए क्या मुश्किल है? आपने कहना जनाबे अली ये है फार्मूला, फारेनहाइट वाला टेम्परेचर बराबर होता है 9/5 मल्टीप्लाई टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, अल्लाह वालो फारेनहाइट एज इट इज आ जाएगा, 9/5 एज इट इज आ जाएगा, सेल्सियस वाले टेम्परेचर की जगह पे 20 पुट किया प्लस डाल दिया 32, 5 1 5 5 4 बोलो 30 फारेनहाइट। बने फार्मूले या नहीं बने? तो बेटा ये आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे यूटिलाइज होगा ये वाला फार्मूला बनाने में, ठीक है? तो इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो बता दूंगा, वो भी करवाया हुआ मैंने आपकी बुक पे करवाया हुआ, ठीक है? लो जनाब ये सारा मैथमेटिक्स यूज करके फार्मूले आते हैं मॉडलिंग यूज करके। अब जी आपको पता है, डू यू नो कि आपको पता है कि सन कोर का टेम्परेचर क्या है, सूरज के सेंटर का टेम्परेचर क्या है, सरफेस का नहीं, कोर किसे कहते हैं, जमीन के कितने हिस्से हैं, सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है और फिर कोर होता है अंदर वाला हिस्सा, ये अंदरूनी हिस्सा, ठीक है? तो इस कोर का टेम्परेचर ये है जी, क्या काई ढाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 50 लाख डिग्री सेल्सियस, 1 करोड़, थोड़ा अल्लाह। अच्छा सन सरफेस, सूरज की सरफेस का ये है सतह का ऊपर 6,000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? इलेक्ट्रिकल लैंप 2500 डिग्री सेल्सियस, गैस लैंप, बॉइलिंग वाटर, ह्यूमन बॉडी, पेपर में कहेंगे राइट डाउन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन डिग्री सेल्सियस या कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन फारेनहाइट, तो फिर क्या बताओगे इसको कन्वर्ट करना, 30 कहना टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस, फिर उसको उसी फार्मूले से कन्वर्ट करना, ये बताएंगे नहीं पेपर में, ये याद होना चाहिए आपको। फ्रीजिंग वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, आइस इन फ्रीजर जो आपके घर में डीप फ्रीज उसका -18 डिग्री, लिक्विड ऑक्सीजन -180, अगर उसको हाथ लग जाए तो हाथ सड़ जाए, लिक्विड ऑक्सीजन को हाथ लग जाए तो हाथ ये कूल बर्न होता है, आपकी बॉडी जो है उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाए तो फिर भी मर जाते हैं, सड़ जाते हैं। अब ये फॉर्मूले हैं फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस स्केल हमने कैसे चेंज करना है, द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग, ये मैं बता चुका हूं फ्रॉम द टेम्परेचर इन केल्विन, तो ये मैं फॉर्मूला आपको ना माइनस इसको उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा तो सेल्सियस ऐड कर देंगे उसमें, पीछे करवा के हम अभी क्या करना है बच्चे इसको उधर जाके ऐड कर देना सेल्सियस में, तो सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 ऐड करेंगे और केल्विन वाले से माइनस करेंगे, फार्मूला वही है कि केल्विन वाला टेम्परेचर बराबर होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस,
अब एग्जांपल दे रहा है, कहता है चेंज केल्विन कितना, 300 डिग्री केल्विन है, उसको किसमें चेंज करना है, सेल्सियस में। तो भाई ये देखो 300 में से 273 माइनस करो तो 27 डिग्री सेल्सियस है। अब कह रहे इसको फारेनहाइट में। अच्छा मजे की बात बताऊं, चौक पता कौन है, सेल्सियस है। सेल्सियस से किसमें आ सकते हो, ठीक है, सेल्सियस से फारेनहाइट में भी जा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला आप बोलो। तो अगर आपको फारेनहाइट में दिए तो फिर सेल्सियस में निकाल के फिर कर लूंगा, ठीक है जनाब। फ्रॉम सेल्सियस टू फारेनहाइट स्केल सिंस 100 डिवीजन अंदर मैं करवा चुका, 15 सेल्सियस स्केल आर इक्वल टू 180, ऐसा ही है। राइज कितना 180 का, रन कितना 100 का, राइज ओवर रन क्या होता है, राइज ओवर रन क्या होता है, स्लोप होती है, स्लोप निकाल के उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में डाल दो। देयरफॉर ईच डिवीजन ऑन द स्केल इज 1.8 डिवीजन, तो आपके सेल्सियस की 1 डिवीजन और फारेनहाइट की 1.8 डिवीजन एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है। मोर ओवर 0 डिग्री करेस्पॉन्ड्स टू 32 डिग्री फारेनहाइट, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये हम कर चुके। 9/5 का आंसर 1.8 ही होता है, ठीक है, तो 1.8 डाल दिया इसकी जगह। Here I feel the temperature on the Fahrenheit and see the temperature on the Celsius scale. अब क्या कह रहे हैं? Convert 500 on Celsius to Fahrenheit. तो यहाँ पे क्या डाल देना? 5000 थोड़ी। तो 5000 डालो यहाँ पे। ये divide divide करके add add कर लो। Clear हो गया? ये नहीं। अब कहते हैं from Fahrenheit to Celsius scale. कैसे convert करोगे? 32 तो जाके minus होगा और 1.8 से divide कर देना। समझ आ रहा? तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार इस इक्वेशन से वी कैन फाइंड द टेंपरेचर ऑन सेल्सियस स्केल फ्रॉम वी कैन फाइंड द टेंपरेचर ऑन सेल्सियस स्केल बाय कन्वर्टिंग द फारेनहाइट टेंपरेचर टू हीट। तो सो प्यारे बच्चों, अब टेंपरेचर फारेनहाइट में दे दिया आपको, ये फार्मूला आपको पीछे करवा चुका हूं, फारेनहाइट से 32 माइनस करो, 100 से 32 के आंसर कितना आ गया बोलो, 30 निकालो, 68 नहीं आएगा, 68 को 9 पे डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा सेल्सियस। क्लियर हो गया? अब डू यू नो ए क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इट हैज ए नैरो रेंज, जिसकी बहुत कम रेंज होती है, फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, इट हैज ए कंस्ट्रक्शन दैट प्रिवेंट्स द mercury to return, thus its reading does not change until reset. अब इसके अंदर क्या होती है, constriction होती है, यहाँ पे ना एक छोटा सा सुराख होता है जो मर्करी को नीचे नहीं जाने देता, क्या करता है, मर्करी को नीचे नहीं जाने देता, क्यों, जब तक डॉक्टर, देखो अगर मर्करी नीचे चला गया तो डॉक्टर को तो टेम्परेचर मेजर ही नहीं कर सकेगा डॉक्टर, तो डॉक्टर फिर क्या करता है, ऐसे ही लाके डालता है जब भी किसी को लगाता है, तो वो रीसेट करता है, ऐसे करेगा तो सारा मर्करी नीचे चला जाएगा, वो जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ना वो मर्करी को रोक के रखती है। तो बंदा आपसे पूछ ले व्हाई द क्लिनिकल थर्मामीटर हैव अ कॉन्स्ट्रिक्शन, तो आपने तो ना इट हैज अ कॉन्स्ट्रिक्शन दैट प्रिवेंट्स द मर्करी टू रिटर्न, ठीक है, थस द इट्स रीडिंग डज नॉट चेंज, उसकी रीडिंग पर चेंज नहीं होती, अदरवाइज डॉक्टर को उसकी रीडिंग लेने में क्या होगी, मुश्किल होगी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द डॉक्टर टू टेक द reading because the mercury will lower its level if the constriction is not there. Okay जी, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ये भी पढ़ा चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ।